शहर कायद में लुटेरे बेलगाम राशिद मिनाज रोड गुलशन जमाल में पेट्रोल पंप पर डकैती। मोटरसाइकिल सवार तीन मुलजमान ने कैशियर से नकदी और सिक्योरिटी अहलकार से मोबाइल फोन छीन लिया। मुतासर अहलकार ने अपने पिस्तौल से मुलजमान पर फायरिंग भी की। मुलजमान जवाबी फायरिंग के बाद फरार हो गए। कराची पुलिस से मायूस शहरियों ने खुद डकैतों को पकड़ने की ठान ली। गुलशन इकबाल अवाम ने दो रोज में दो डकैत पकड़ लिए। थाना मुबीना टाउन की हदूद में छीना झपटी मामूल है। आए रोज नकदी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन से अवाम को महरूम कर दिया जाता है। पेशावर के थाना खजाना की हदूद में दो फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला। दो तरफा फायरिंग में तीन अफराद जान बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की तिबी इमदाद दी जा रही है। कच्चे के डकैतों ने अंत मचाई, हुकूमत बनी खामोश तमाशाई। दो रोज कबल इकबाल सिक्योरिटी गार्ड्स की वीडियो जारी। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को जंजीरों में जकड़ा देखा जा सकता है। एसएसपी कश्मोर को डाकुओं की जानिब से 2 करोड़ तावान, ऑपरेशन में गिरफ्तार साथियों की रिहाई और ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा, वरना दोनों को मार दिया जाएगा। पंजाब में पतंगबाजों ने वजीर आला के अहकामात को भी काट डाला। लाहौर के गली मोहल्लों में आज मजीद दो शहरी डोर फिरने से जख्मी हो गए। ताज़ा वाकयात मॉडल टाउन और निश्तर कॉलोनी में पेश आए। जख्मी नौजवान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची में पतंगबाजी पर 2 माह की पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने बताया पतंग की डोर की जद में आकर अब तक 8 अफराद जख्मी हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।